अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आदिल मदीना मुनव्वरा से। क्या हाल चाल है हम सबके? अभी सुबह का मंजर 9:40 हो रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ बिंदाउद की तरफ, थोड़ा सामान लेना है, जमजम का पानी लेना है और जैतून का एक ऑयल लेना है और मामूल बिस्किट लेने हैं। आधा घंटा हुआ है उठा हूँ, ये सामान लेते हैं और आज आपको आगे पता चलेगा कौन आ रहा है वीडियो में। टाइटल से आप सब देख लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस एक दो घंटे तक उनकी फ्लाइट लैंड हो जाएगी यहाँ मदीना मुनव्वरा में, तो इंशाल्लाह फिर उनको जाते हैं पिक करते हैं। ये आ गई बिन दाऊद, गाड़ी को हम इधर ही पार्क करेंगे फिर यहाँ से ही निकल जाएंगे वापसी। आओ जी, धूप भी निकली हुई है और ठंडी हवा भी चल रही है, सुभान अल्लाह। देख रहे हो ऑफर ही ऑफर लगी हुई है। जमजम का पानी था ना, तो उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया हुआ था, अब जो है उन्होंने इधर रख दिया। यहाँ से पानी जो है जमजम का वो कम रेट में मिल जाता है। ये देखिए माशाल्लाह सारा जमजम है इसके अंदर, और ये 10 रियाल की एक बोतल है, इसके अंदर कितने हैं 5 लीटर, तो मैं ले रहा हूँ 2। फिलहाल अभी 2 काफ़ी हैं। सामने फ्रेश फ्रेश रोटी। अभी जाते हैं जैतून की तरफ। ये बड़े जैतून सारा जैतून है, जैतून के ऑयल है यहाँ सब, हर कंपनी के अलग अलग है। सबसे पुराना है ना वो ये वाला है, बाकी अब नई नई कंपनीज आ गई हैं, लेकिन जो सबसे पुराना है जिस तकरीबन मेरे ख्याल में 15 साल से भी ज़्यादा हो गए, 15 साल से भी इसको ज़्यादा हो गए। अमूल बिस्किट कहाँ पड़े? अमूल काफ़ी जगह, अमूल है इधर, काफ़ी जगह बिस्किट। आप कह रहे हो उधर, आप बिस्किट वाले सेक्शन में सीधा जाओ। ओके ओके, एक कह रहे उधर, एक कह रहे उधर। कर रहे हो मार्केटिंग? मामूल नहीं मिल रहे, कोई कह रहा है यमीन जाओ, कोई कह रहा है सार जाओ, इस तरफ नहीं है, मुझे लगता है उसी तरफ ही होंगे। ये आ गया हूँ मामूल वाली जगह पर, लेकिन मुझे जो कंपनी चाहिए ये नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं है भाई, वो मुझे ये वाली कंपनी चाहिए, हलवानी। ये हलवानी के जो है ना बहुत कमाल के, यहाँ का आटा, ये आटा है सारा, मुख्तलिफ कंपनीज। रमज़ान आ रहा है तो उन्होंने टैंक की डेकोरेशन करके रखी हुई है रमज़ान की, तांज देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया है उन्होंने। अभी और होगी डेकोरेशन जैसे जैसे रमज़ान के दिन करीब आएंगे ना इंशाल्लाह। सामान जो लिया था वो यहाँ रखते हैं और आज जो है ना इस गाड़ी पे चलते हैं, वो गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी है। यल्ला चलो जी, कपड़े चेंज करते हैं, चेक करना अब कपड़े चेंज कैसे कर रहा हूँ। चलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुल अज़ीम। यल्ला निकलते हैं अब सिस्टर को लेने कैफे से, सिस्टर को लेने के बाद फिर चलते हैं। लेट हो गए हैं, 11:40 हो गए, बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं। मैसेज किया सिस्टर को, ये कैफे है और अभी कैफे से आ रहे हैं फिर चलते हैं। 5-10 मिनट का सफ़र है और ये सामने है मदीना का ट्रेन स्टेशन, इसको अरबी में कहते हैं कतार और एयरपोर्ट को कहते हैं मतार। कतार और मतार एक ही लाइन है। दिन पहले यहाँ पर सऊदी का ना फाउंडिंग डे था, तो उन्होंने यहाँ पर ये फ्लैग्स वगैरह लगाए हैं इस रोड पे, दूसरी रोड पे कुछ दिन पहले ही उन्होंने लगाए हैं। एयरपोर्ट पहुँच गए,
अम्मी यहाँ बैठेंगी ना, अम्मी को चीज़ को नीचे कर भूल गया। गाड़ी पार्क हो गई है और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। 12 से ऊपर हो गया, काफ़ी लोग बाहर आ रहे हैं, देखते हैं जाके। मीटिंग माय मॉम आफ्टर 3 इयर्स। ये मदीना का एयरपोर्ट और हमें डर भी लग रहा है, कुछ भी है डर। दरवाजा भी जा सकते हैं अंदर, वेटिंग एरिया भी है ना वहाँ पे। चलो नहीं, हम यहाँ से जाए वहाँ से हमें निकलेंगे, जा सकते हैं। चलो चलो, मैं इधर बैठी रही थी इतनी देर। टाइम 12:50 पे होगी लैंड। पता था मुझे ये डिले करेंगे। अभी क्या टाइम है? 21। चलो शुक्र है टाइम पे पहुंच गए, बैठते हैं। तो अभी इधर लिखा हुआ आगे कि लैंड हो गई फ्लाइट मुल्तान। अच्छा, दरवाज़ा जैसे खुलता है ना, हम देखते हैं, यूँ देखते कभी तक कोई नहीं आ रहा। ये अभी अभी देखना खुलेगा दरवाज़ा, और खुल गया। नहीं आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अम्मी जो है बाहर आ गई हैं। तकरीबन कितने घंटे के बाद? 5 घंटे। फ्लाइट कितनी देर की थी? 5 घंटे। 5 घंटे। 11:40 पे उसने यहाँ अराइव करना था, लेकिन अभी 1:30 बज रहा है ना। अभी 1:30 बज रहा है, तो अभी हम यहाँ आ रहे हैं। की में मदीने दी हवा हैं, चीज़ा बदल के नू हैं। तो गाड़ी उस साइड से पार्क है, तकरीबन 15-20 मिनट से ना हम गाड़ी ढूंढ रहे थे, मुझे गाड़ी ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि इधर 2 पार्किंग है और उनके एक एक सेम ही नंबर लिखे हुए हैं। मुझे समझ ही नहीं आती गाड़ी कहाँ है। अभी 10-15 मिनट के बाद जाके अब मिली है गाड़ी। आपके लिए एक सरप्राइज है, इसको खोलें, इसको फाइनली घर पहुंच गए। अभी सामान उतारते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये हो गए घर से, तो खाना वगैरह भी खा लिया, थोड़ा काम है, सामान वगैरह रख लिए, तो
अभी बस चलते हैं घर की तरफ और फिर रात को आऊँगा इंशाल्लाह। तो ब्लॉग जो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें इंशाल्लाह। जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इस शहर में आपका नसीब लिख दे, आपके नसीब में लिख दे मदीना में आना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबके लिए बहुत दुआएं, जिसने मुझे दुआ का कहा, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:18 घर जाते हैं, थोड़ा बहुत काम है, सामान भी देना है, सामान देते हैं, गिफ्ट वगैरह वो मैंने मंगाए थे, मिठाइयाँ वगैरह वो भी देनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हाफिज़, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।